अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डाइटिशियन भी। आज हम बात करेंगे वजन को बढ़ाने के बारे में। हम हमेशा वजन को कम करने के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन आज मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट, अरशद साहब हैं हमारे बहुत पुराने पेशेंट और कराची से, उन्होंने स्पेशली अपने बेटे के लिए रिक्वेस्ट की है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका बेटे को डायग्नोस हुआ है बोन कैंसर और वो बहुत ज़्यादा अपना वजन कम कर रहे हैं। अरशद साहब हमारे बहुत पुराने पेशेंट हैं और ये अपनी पूरी फैमिली के साथ मेरे पास तकरीबन 10-12 साल से, इनकी पूरी फैमिली, इनके इन लॉज, इनके सारे रिश्तेदार, एज अब तो मैं इनकी फैमिली डाइटिशियन हूँ। इनको डाइट प्लान शुरू से मैं दे रही हूँ, इनके बच्चों की शादियों के लिए भी मैंने हमेशा डाइट प्लान डिज़ाइन किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके बेटे को बोन कैंसर डायग्नोज हुआ है और मैं इनके बच्चे के लिए सीरियसली बहुत दुआ करती हूँ और उस वजह से वो बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर रहा है। तो मैंने सोचा कि इनकी रिक्वेस्ट के ऊपर पूरी वीडियो मैं वेट गेन के लिए बना दूँ कि उनके बच्चे को भी बहुत फ़ायदा हो। और बहुत सारे मेरे ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आ रहे होते हैं जिनको वज़न की कमी बहुत ज़्यादा हो रही होती है और वो वज़न बढ़ाने के लिए डाइट प्लान्स ले रहे होते हैं। बहुत सारी ब्राइड्स भी मेरे पास आ रही होती हैं। अब चूँकि हमारा ब्राइडल सीज़न बहुत उरूज पे है और सर्दियों के साथ साथ ब्राइडल सीज़न भी चल रहा होता है, तो लोगों को अपने देखिए मैं एक बात आपको बड़े वाज़े तौर पर बताऊँ, हम हमेशा वज़न को कम करने के बारे में वीडियोज़ बनाते हैं और कभी कभी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ ये वीडियोज़ बना बना के, लेकिन वज़न को बढ़ाना, आपको मैं एक बात बताऊँ, वज़न को कम करने से ज़्यादा मुश्किल है। चाहे वो ब्राइड्स हों, चाहे वो बच्चे हों, और PCOS की भी एक किस्म ऐसी होती है जिसमें पेशेंट वज़न को इतना कम कर चुका होता है और उसका वज़न बढ़ता ही नहीं है। जी हाँ, PCO की दो टाइप्स होती हैं जिसमें एक के अंदर पेशेंट्स का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, दूसरी टाइप के अंदर पेशेंट्स का वज़न बहुत कम हो चुका होता है और वो वज़न नहीं बढ़ पाता, और इन लोगों की लाइफ बहुत मिज़रेबल होती है। इनका पहना ओढ़ा इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इनका फिगर बिल्कुल ठीक नहीं होता, हाथ पैर बिल्कुल सूखे सूखे पतले दुबले होते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने इस तरीके का बनाया है कि यकीन करें जिस्म जो होता है वो बहुत मुतनासिब अच्छा लग रहा होता है। हम हमेशा ये कह रहे होते हैं दुबला होना दुबला होना, कभी आप किसी दुबले इंसान से उसके दिल की कैफियत पूछें, उसके दिल का हाल पूछें, वो कितना उदास होता है। वो ये कह रहा होता है कि डॉक्टर आयशा प्लीज़ मुझे मोटा कर दीजिए, मेरी शादी में एक महीना रह गया है और मेरे जो इन लॉज वाले हैं वो कह रहे हैं कि तो हम किसी ढांचे से नहीं शादी करना चाहते अपने बेटे की, हम चाहते हैं कि हमारी दुल्हन जो है वो अच्छी लगे। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैंने ये देखी है कि इन लोगों की स्किन जो है वो बिल्कुल अच्छी ग्लो नहीं कर रही होती, हेयर लॉस बहुत हो रहा होता है, जॉइंट्स में बहुत पेन होता है, ज़रा ज़रा सी बार पे लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं, कमज़ोर फील कर रहे होते हैं, सांस इसकी फूल जाती है बिल्कुल से और बैठ के उठ नहीं पाते, उठ के बैठ नहीं पाते। तो ये एक इसके डिफरेंट कंप्लेंट्स हैं। इसमें मुझे ब्लड टेस्ट डेफिनेटली करवाने पड़ते हैं। इसके ब्लड टेस्ट जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके के होते हैं। कई दफ़ा इसमें हॉर्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है, इसमें विटामिन डी भी होता है, इनके हीमोग्लोबिन लेवल्स भी होते हैं, इसमें LFTs कराने पड़ते हैं। और एक और चीज़ जिसके लिए मुझे बहुत मुश्किल होती है वो ये होती है कि इनका वज़न अगर बढ़ाना पड़ जाए और इनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर बढ़े हुए आएँ तो वो गेम बहुत मुश्किल खेलनी पड़ती है। उसकी वजह ये कि इन लोगों को मुझे बटर भी देना पड़ता है, देसी घी भी देना पड़ता है, ऑयल्स भी देने पड़ते हैं, और पता चला जनाब आली इनका तो पहले से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो वो मेरे लिए टारगेट बहुत मुश्किल से अचीव करना पड़ता है और डाइट प्लान बहुत मुश्किल और बहुत सोच समझ के इनका डिज़ाइन करके देना पड़ता है। और अरशद साहब के इस बेटे के लिए मैं बहुत ज़्यादा दुआगो हूँ। ये पेशेंट मेरे पास रेगुलर तौर पे आ रहा है, माशाल्लाह इसने एक महीने में 5 kgs अपना वेट गेन किया है। देखिए कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको कीमोथेरेपी पे भी डालना पड़ता है और उसके बाद बहुत तकलीफ का उनको सामना भी करना पड़ता है, सर्जरीज भी होती हैं, तो उनकी खुराक के अंदर बहुत अच्छे शेक्स भी हमें डालने पड़ते हैं। अगर आप लोग अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं कोकोनट मिल्क का भी इस्तेमाल कर लें, रेगुलर बेसिस के ऊपर शेक्स का इस्तेमाल करें। दूसरी बार जिन लोगों को अपना वजन बढ़ाना है प्लीज़ एक दफ़ा बैठ के डट के नहीं खाना, थोड़े थोड़े मील्स दिन में 4 या 6 दफ़ा लें, क्योंकि एक दफ़ा बैठ के नहीं खाया जाता है, वैसे ही पेट का साइज इतना श्रिंक हुआ हुआ होता है, छोटा होता है, तो नहीं खाया जाता है। इन पेशेंट्स को कई दफ़ा लैक्टोज इंटॉलरेंट भी हुए हुए होते हैं, ये इनको ग्लूटेन एंटेरोपैथी यानी कि मैदा नहीं इनका कबूल करता कि वो आटे की रोटी खा सकें या दूध से बनी हुई अशिया खा सकें, तो इनके डाइट प्लान्स उस तरीके से भी बनाए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, तो उसके भी ब्लड टेस्ट होते हैं, ग्लूटेन एंटेरोपैथी के होते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस के होते हैं। ये अलामत अगर आपके अंदर मौजूद हैं फौरी तौर पे विज़िट कीजिए कि आपका डाइट प्लान इस तरीके से बनाया जाए कि दूध या दूध से बनी हुई अशिया आपको हज़म नहीं होती,
उसकी मेडिसिन भी आपको दी जाएगी, रोटी, मैदे से बने हुई कोई भी चीज़, बिस्किट्स, आपने बेकरी का कोई भी आइटम खा लिया है, हलीम खा लिया है, कड़ी आपने इस्तेमाल की है और आपको फौरन जो है वॉमिट हो जाती है या फौरन आप जो है वॉशरूम चले जाते हैं, बार बार आपको डायरिया हो रहा है, बार बार आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, ये सारी अलामत वाले पेशेंट्स जो हैं उनका वज़न तेज़ी से गिरना शुरू कर जाते हैं और ये बहुत ही ख़तरे की बात है। आपको दही जो है रेगुलर तौर पर लेना चाहिए ताकि आपका पेट थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। और इन पेशेंट्स को वज़न को बढ़ाने के लिए शेक्स का इस्तेमाल, खजूर का इस्तेमाल, शकरकंदी का इस्तेमाल, खीर का इस्तेमाल, सिंघाड़ा पाउडर एट टाइम्स बहुत अच्छा रहता है, उसका 1 टीस्पून सुबह शाम पानी के साथ आप लेके इस्तेमाल करें, वो भी बहुत अच्छा है। सप्लीमेंट्स मुझे देने पड़ते हैं, अगर टैबलेट्स नहीं ले सकते तो सिरप के फॉर्म में सुबह शाम, उससे भी भूख बहुत अच्छी बढ़ती है। और विटामिन B12, विटामिन डी, केस के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से ब्लड टेस्ट ज़रूर होते हैं। प्रोटीन्स आपको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करने, वरना मसल वेस्टिंग पे आप चले जाएंगे, ताकत बिल्कुल नहीं रहेगी, बहुत लेथार्डिक हो जाएंगे, तो प्रोटीन्स भी देने हैं, दूध भी देना है, अंडा भी देना है आप लोगों को, यानी कि आपको लेना है, और साथ में आपको शेक्स भी लेने हैं, थोड़ा थोड़ा करके आपने खाना है ताकि आप अच्छे रहें, वरना आप स्ट्रेस में भी बहुत जाते हैं और इन लोगों की हिस्ट्री में स्ट्रेस, परेशानी, दुख कई दफ़ा ऐसा भी हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि खुदा ना खास्ता हर वेट लॉस वाला पेशेंट, खुदा ना खास्ता किसी बीमारी का या कैंसर का शिकार हो, वो स्ट्रेस का, परेशानी का, PCOS का, किसी एक्सीडेंट का, किसी सर्जरी का भी शिकार हो सकते हैं, कई दफ़ा किसी दवाई के साइड इफेक्ट का भी शिकार हो सकते हैं। उनको अच्छी खुराक से, पीनट बटर से, चीज़ से, ब्लड टेस्ट से, सप्लीमेंट से, विटामिन से, मेरा जो 12 हफ्ते का पैकेज है, 8 हफ्ते का पैकेज है, 16 हफ्ते का डैन पैकेज है, डाइट वाला या विटामिन ड्रॉप्स इंजेक्शंस वाला, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जो डैन की विटामिंस है मेरी, जो डैन एनर्जी का मेरा सप्लीमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 12-13 साल हो गए ये करते हुए और लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होता है। और कई दफ़ा प्यारी अच्छी बात, काउंसलिंग, लोगों को समझाना, प्यार से बात कर देना, इसी से अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। तो आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को समझ आ रही होगी, और अगर ये अलामात आपके अंदर मौजूद हैं, प्लीज़ टाइम ज़ाया ना करें। आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक दफ़ा आपको मिलती है और ज़िंदगी एक नेमत है और एक तोहफ़ा है। ब्लड टेस्ट कराइए अपने करीबी डॉक्टर को, जो कि डाइटिशियन भी हो, अगर उसको ज़रूर दिखाइए। और मुझसे रابطہ अगर आपको कराची में करना है, तो मैं अपना 3 से 5 रोज़ाना होती हूँ क्लिनिक्स में, फर्स्ट फ्लोर प्लाजा शॉपिंग मॉल, 2 तलवार क्लिफ्टन डॉक्टर्स प्लाजा, और सैटरडे मंडे 3 से 5, जुमेरात 6 से 8 अलखलीज टावर्स पे मैं होती हूँ, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 से 6 बजे अस्करी 4 में होती हूँ, विद अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन क्लिनिक करती हूँ। मेरा ब्रांड एनोलिव है, उसके 15 प्रोडक्ट्स हैं, वो आप मेरी वेबसाइट www.draishanutritionist.com स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं, उससे भी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।